इस बीच एक दुखद खबर सामने आई है। पीएम नरेंद्र मोदी की मां का निधन हो गया। हीराबेन ने 99 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। उनके निधन की दुखद खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके साझा की है। ट्वीट के जरिए लिखा, शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। माँ, मैं हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। मैं जब उनके 100वें जन्मदिन पर मिला तो उन्होंने एक बात कही थी जो हमेशा याद रहती है कि यानी काम करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्धि से। हाल ही में पीएम मोदी की मां को स्वास्थ्य खराब होने की वजह से अहमदाबाद की यूएन मेहता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पीएम मोदी खुद भी अपनी मां को देखने अहमदाबाद गए थे। इस बीच अभी ये दुखद संदेश। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं, आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सामने आया है पीएम मोदी अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी का शुक्रवार को निधन हो गया। खुद पीएम मोदी ने ट्वीट के जरिए मां को श्रद्धांजलि दी है। 99 वर्ष की उम्र में हीराबेन को खराब स्वास्थ्य के चलते बुधवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अपना परिवार मानते थे लेकिन अगर किसी से जुड़ाव था उनको तो अपनी माँ से जुड़ाव था। वो जब भी गुजरात जाते थे मौका मिलता था, कोई भी ऐसा वक्त नहीं था जब वो अपनी माँ से जाकर मुलाकात नहीं करते थे, उनके हाथ से खिचड़ी न खाते हो, उनके हाथ से बनाया हुआ मिठाई न खाते हो, उनसे बातचीत न करते हो, उनके पैर धोने वाली आपने देखी होगी वीडियो। तो एक माँ और बेटे का जो रिश्ता था वो, हालांकि माँ बेटे का रिश्ता अभूतपूर्व होता है, वो सभी के लिए होता है, लेकिन अगर जहां तक प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री का अगर सबसे लगाव अगर किसी से था अपने परिवार में, जो निजी परिवार होता है, तो अपने माँ से था। क्योंकि वो गरीबी में उनको पाले थे, गरीबी उन्होंने बहुत नजदीक से देखा था और माँ के आशीर्वाद से ही वो इस मुकाम पर अगर पहुंचे हैं तो उनका बहुत बड़ा योगदान उनकी माँ का रहा है। और आज भी उन्होंने ये कहा है सुरक्षित करके, उन्होंने ट्वीट में आपने जो देखा है कि माँ ने कहा था कि जीवन तो है लेकिन काम करते रहना चाहिए, और इसी मुकाम पर वो हमेशा लगे रहे। माँ के इस वचन को वो हमेशा जो दिया था उन्होंने कि कोई भी ऐसा वक्त होगा वो काम नहीं छोड़ेंगे, देश सेवा नहीं छोड़ेंगे, समाज सेवा नहीं छोड़ेंगे, तो वो करते रहे। तो बेटे के तौर पर माँ को दिया हुआ वचन वो निभाते रहे हैं, और कर्तव्य जो होता है बेटे का कि माँ के साथ जो भी वक्त हो सके वो गुजारे, जरूर गुजारते रहे हैं। आपने वो तस्वीर भी देखी होगी, माँ को बहुत मनाने पर वो लेकर आए थे 7LKM जो लोक कल्याण मार्ग अपने प्रधानमंत्री आवास पर, और उन्होंने पूरे अपने आवास को उन्हें दिखाया था कि कैसे यहाँ पर प्रकृति का कितना बिजोड़ संतुलन बनाया गया है, बाकी चीजें हुआ वो तस्वीरें भी आपने देखी होगी। तो कहीं ना कहीं बेटे के तौर पर वो अपने कर्तव्य भी निभाते रहे और माँ को दिया हुआ वचन और माँ से जो सीखी हुई बातें है वो भी अपने जीवन में धारण करते रहे हैं। बता दें कि मां हीराबेन के अस्पताल में भर्ती होने की जानकारी मिलते ही पीएम मोदी तुरंत गुजरात के अहमदाबाद स्थित अस्पताल पहुंचे थे। खबर है कि मैं आपको बता दें कि जिस तरह से उनकी तबियत खराब चल रही थी उसके बाद उन्होंने 99 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी शुक्रवार को उनका निधन हो गया। खुद पीएम मोदी ने ट्वीट के जरिए मां को श्रद्धांजलि दी है। अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था, हालांकि गुरुवार को अस्पताल इस उम्र में भी अगर कोई सबसे आखिरी अगर तस्वीर आप देखिए तो प्रधानमंत्री के साथ 4 तारीख को जो उन्होंने जो समय बिताया था और उसके बाद जो उन्होंने अपने राष्ट्रीय कर्तव्य भी निभाया था, उनकी मां ने वोट देकर मताधिकार का प्रयोग करके इस उम्र में, तो मां हर वक्त अपने जीवन को भी जी, सादगी से जी। खुद प्रधानमंत्री के शब्दों में कि वो भले ही गरीबी में रही लेकिन उनका अपना एक मूल्य था, उस मूल्य से कभी वो भटकी नहीं, चाहे वो स्वच्छता को लेकर हो घर में या बच्चों के लालन पालन से हो या समाज सेवा से हो, धार्मिक यात्राओं से हो, वो किसी भी जो एक जीवन का
अमूल्य क्षण होता है वो हर समय उन्होंने जिया है, उनकी माँ ने जिया था और आखिरी क्षण तक वो जीते रही। क्योंकि आप देखिए कि अस्पताल में जब वो भर्ती हुई थी सांस की तकलीफ को लेकर प्रधानमंत्री उनको देखने गए थे, लेकिन उसके पहले प्रधानमंत्री चाहे उनके परिवार के जो दूसरे बेटे हैं, दूसरे संबंधी हैं, माँ हमेशा जीवंत तौर पर उनसे मिलते रही इस उम्र में भी, और अपना सारा काम वो खुद करती थी। खुद प्रधानमंत्री के ब्लॉक के अनुसार ही कहा जाए, उनके परिवार के सदस्यों के अनुसार कहा जाए कि इस उम्र में भी उनकी माँ खुद अपना काम सब कुछ करते रही थी। और रविंद्र एक और चीज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ हीराबेन का निधन हो गया। बुधवार को तबियत बिगड़ने पर हीराबेन को अहमदाबाद की यूएन मेहता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी माँ के निधन पर ट्वीट करके श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित की है और लिखा है, शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। माँ मैं हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। मैं जब उनसे देश के प्रधानमंत्री हैं तो वो कोई दिखावा करे ये कतई नहीं था। आपने देखा होगा कि जब एक बार उनकी तबीयत खराब हुई थी तो आम एम्बुलेंस होता है उसमें वो हॉस्पिटल गई थी अपने दिखाने के लिए, हेल्थ को दिखाने के लिए। जब भी अगर वोटिंग देने जाना हो तो वो भी एक नॉर्मल जो आम नागरिक होता है उस तरह से जाती है, जाती रही और कोशिश करती थी कि लाइन में लगकर वोट करें। लेकिन उम्र में जो पूरे देश की जो सुविधा दी जाती है बुजुर्गों को, उस सुविधा का भले ही उन्होंने उपयोग किया हो कि अलग से लाइन हो, जो अपने जो बुजुर्ग होते हैं उनके लिए एक नियम भी है, लेकिन वो कभी भी किसी तरह से दिखावा करते ही नहीं करते ही एक सिंपल साड़ी पहनती थी जो प्रधानमंत्री के ब्लॉग के अनुसार भी लिखा हुआ है। न कभी उन्होंने गहने पहने, एक खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्लॉग के अनुसार कह रहे हैं कि वो कभी भी जो एक कड़क भड़क वाली जीवन होती है जो उस तरह के कभी वो नहीं, सादगी से जी, सादगी का खाना खाती थी, खिचड़ी उनका प्रिय खाना होता था और पूजा जरूर करती थी। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ब्लॉक के अनुसार, उनके परिवार के सदस्यों के अनुसार कि पूजा में ये इतनी मगन रहती थी, माला इतनी जपते रहती थी कि उनको नींद तक गायब हो जाती थी। कभी कभी उनके सोने के लिए उनकी माला को छिपाना पड़ता था। आप समझिए कि वो कितनी धार्मिक प्रवृत्ति की भी महिला थी कि उनकी माला को जो जपते रहती थी उसको छिपाना पड़ता था कि माता जी अब आप सो जाओ, चाहे जो भी उनके घर के सदस्य उनके साथ रहते थे। तो कहीं ना कहीं धार्मिक प्रवृत्ति के उनकी माता जी थी, सादगी वाली थी और समाज सेवा में लगी रहती थी और हमेशा अपने बेटे को, खासकर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा जाए तो यही कहती थी कि ये बेटा हमारा भले ही है, हमारे दल से जन्म लिया हो, हमारे से जन्म लिया हो, लेकिन ये समाज के लिए है, ये देश के लिए है और यही सीख हमने नरेंद्र को दिया है। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।